पैसा ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, नहीं पैसा इस पृथ्वी पर सबसे सामर्थ्य नहीं है, पृथ्वी पर सबसे सामर्थ्य चीज तो वो वचन है जो आपके मुंह से बाहर आता है। आपकी जेब में कोई पैसा नहीं होगा, आपकी जेब खाली हो सकती है, कुछ ना हो और पूरे संसार में आपकी मदद के लिए कोई ना हो, लेकिन यदि आपके पास प्रभु का वचन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। How lovely on the mountains are the feet of death that bring good news. अपने ही शब्दों से तुम धर्मी ठहरोगे या दोषी होगे, यानी कल मैं किस तरह का व्यक्ति बन जाऊंगा, चाहे मैं धर्मी ठहराया जाऊं या दोषी ठहरूं, कल दोषी खड़ा रहूं, क्या मैं धर्मी बनकर खड़ा रहूंगा या दोषी बनकर खड़ा रहूंगा, यह आधारित होता है मेरे शब्दों पर। तो चलिए मैं इस तरह से कहता हूं और आप इस वचन के बगल में इसे लिख सकते हैं कि आप इसे कभी ना भूल सके। मैं इस तरह से कहता हूं, यह बहुत ही सरल है, आपका भविष्य आपके शब्दों में है, यही इसका अर्थ है। कल क्या मैं धर्मी ठहरूंगा या दोषी ठहरूंगा, यह मेरे शब्दों पर आधारित है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरा भविष्य तो है मेरे शब्दों में, या मेरे शब्द नियंत्रण करते हैं भविष्य पर। मैं धर्मी या दोषी ठहराया जाऊंगा वो मेरे शब्दों से होगा, यानी मेरा भविष्य मेरे शब्दों के अधीन है। बहुत से लोग इसे नहीं समझते। जानते हैं, एक बार मैं कार में पेट्रोल भर रहा था, एक छोटा बच्चा वहां पर बैठा था और उसे जल्दी थी। जानते हैं, हम राह देख रहे थे कि कोई आकर मदद करे। बच्चे ने कहा कि डीजल भर लेते हैं। मैंने कहा, तुम डीजल नहीं भर सकते हो क्योंकि ये पेट्रोल कार है, इसमें पेट्रोल भरना है। रुक जाओ, पहले उन्हें भरने दो, फिर हम भरेंगे। नहीं नहीं, वो तो खाली है, हम डीजल भर सकते हैं और चलेंगे। मैंने कहा, नहीं, ये कार डीजल पर नहीं चलेगी, हमें पेट्रोल भरना होगा। नहीं, ये चलेगी, ये फिर भी चलेगी। जब तक पेट्रोल पंप पर जाते हैं कुछ भी भर सकते हैं, डीजल या पेट्रोल, ये चलना चाहिए, उसने कहा। मैंने बच्चे को समझाने की कोशिश की, नहीं ये नहीं चलेगी, वो नहीं सुन रहा था। हम बहस करने लगे और अंत में उसने कहा, मुझे बताइए क्यों ये डीजल पर नहीं चलेगी। मैंने कहा, बेटा मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं मैकेनिक नहीं हूं, मुझे पता नहीं क्यों। चलो मैं बताता हूं क्यों।
ये कार बनाई गई है, डिजाइन की गई है पेट्रोल पर चलने के लिए, इसलिए इसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, डीजल नहीं। तो इसलिए मुझसे नहीं पूछना क्यों, क्यों आपके शब्द भविष्य पर नियंत्रण करते हैं, इस पृथ्वी पर की सारी चीजों से आपकी जीभ आपके शब्द भविष्य पर नियंत्रण करते हैं, मुझे पता नहीं, लेकिन बाइबल यही कहती है। बाइबल कहती है कि आप बोलने वाली आत्मा हैं, प्रभु ने खुद को अपने शब्द से प्रकट किया है, उसकी सारी सामर्थ्य उसके वचनों में है, वचन से सब उसने बनाया है, सब कुछ उसने वचन से बदला है, उसने उसे बदला जो बेडोल और सुनसान था, अंधकार था, और उसे बदलकर सब कुछ सुंदर और अद्भुत बनाया है अपने वचन से। प्रभु अपने वचन का प्रभु है। प्रभु ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य अपने शब्दों का मनुष्य है। प्रभु ने मनुष्य को अपने जैसे बनाया। मैं केवल यही जानता हूं, मनुष्य इसी तरह से बना है, आप और मैं इस तरह से बने हैं कि हमारे शब्दों में सामर्थ्य हो, क्योंकि हम परमेश्वर के जैसे बने हैं। यानी इस भाई ने कहा, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तो ठीक है, आपकी कार रुक जाएगी और फिर ये नहीं चलेगी, आपका जीवन नहीं बढ़ेगा, जैसे कार बिना पेट्रोल से नहीं चलेगी, आपका जीवन शब्दों के बिना कहीं नहीं जाएगा। आपके शब्द जीवन पर अधिकार करते हैं। याकूब अध्याय 3 पढ़िए, बड़ा जहाज छोटी पतवार से मोड़ा जाता। आप यहां जाने वाले जहाज को इस तरफ मोड़ सकते हैं छोटी सी पतवार से। बाइबल कहती है जीव भी वैसे ही है। आप चाहते हैं कि आपका जीवन इस तरफ जाने से मुड़ जाए और इस तरफ जाए, आप जिस तरफ जा रहे हैं वो पसंद नहीं, उसकी उल्टी दिशा में मोड़ना चाहते हैं, आप उसे अलग दिशा में मोड़ना चाहते हैं, आप अपना जीवन असफलता से सफलता में लाना चाहते हैं, आप इसे अपनी जीभ से बदलती हैं। आप पूछे क्यों, मुझे पता नहीं, हम तो बस इसी तरह से बने हुए हैं, इसी तरह से प्रभु ने हमें बनाया है, प्रभु ऐसे ही है और हम भी ऐसे ही हैं। बाइबल यही कहती है। तो कुछ लोग सारी गड़बड़ी करते हैं और वो कहते हैं, पता नहीं भाई, ये सब कुछ प्रभु की इच्छा है, जो भी हो रहा है ये सब प्रभु की इच्छा है भाई, प्रभु जो करना चाहता उसे करने दे। प्रभु कहता है, नहीं, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली चीजें निकालता है, बुरा मनुष्य मन के बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है। यानी अपने दिल को परखे, अपना दिल सही कर ले, अपने दिल में वचन रखे, अपने मुंह से वचन कहे, क्योंकि प्रभु ने आपको ऐसे बनाया है। इसलिए यीशु ने कहा, जो भी इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुन्द्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, केवल विश्वास करे कि जो कहता है वो जरूर होगा, तो वो जो कुछ भी कहता है उसी के अनुसार हो जाएगा। वो कहता है जो भी, देखिए उसने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और पतरस चकित हो गया। अगले दिन उसने कहा, प्रभु जिस पेड़ को श्राप दिया वो सूख गया। तुरंत यीशु ने नहीं कहा, पतरस याद रखना, मैं स्वर्ग का यीशु हूं, केवल मेरे लिए काम करेगा, तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। नहीं नहीं, उसने कहा, परमेश्वर का विश्वास रखो। उसने कहा, तुम्हारे पास मेरे जैसे ही विश्वास है। और फिर उसने कहा, जो कोई भी इस पहाड़ से कहे, यदि आप मनुष्य व्यक्ति हैं, चाहे आप जो कोई भी हो, यदि आप मनुष्य हैं, तो मैं आपसे कहता हूं, आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, डिजाइन में बनाए गए हैं। इसलिए यीशु ने कहा, जो कोई भी इस पहाड़ से कहेगा, नहीं तो वो कह सकता था, क्या वो पागल है? मतलब यीशु इस तरह से बताने के लिए कहने लगा, आपको गंभीरता से उसके वचन लेने चाहिए। उसने कहा, जो कोई भी इस पहाड़ से कहे, वहां पर पहाड़ जरूर होगा, वो पहाड़ की ओर दिशा दिखा रहा था और कहा, जो कोई भी यानी जो कोई भी, यहां इसका और कोई अर्थ नहीं है। हम पुराने दिनों में गीत गाते थे, जो कोई भी है उसका मतलब मैं हूं, यह बिल्कुल सही है, इसका अर्थ है मैं हूं, आप हैं। जो कोई भी यानी हर एक छोटा और हर एक बड़ा मनुष्य, जो कोई भी इस पहाड़ से कहेगा। यीशु कैसे कह सकता था कि जो कोई भी इससे कहे, क्या ये किसी के लिए भी काम करेगा? मैं कहता हूं ये किसी के लिए भी काम करेगा, क्योंकि हर कोई इस तरह से बना है, मनुष्य के रूप में आप ऐसे ही बने हैं, आप जो कहते हैं वो पाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आप डिजाइन किए गए कि अपने दिल में विश्वास करें और अपने मुंह से कहे और जीवन में उसे उत्पन्न करें। आपका दिल उत्पन्न करने का केंद्र है, विश्वास और भरोसे का, और आपका मुंह तो वो तरीका है जिससे आप सामर्थ्य के शब्द खोलते हैं और आपका दिल जो चाहता है वो उत्पन्न करते। हेलो, इस तरह से प्रभु ने दिल और मुंह को बनाया है। लेकिन बहुत से लोगों का दिल और मुंह हर समय गलत दिशा में जाता है क्योंकि हमारे दिल में गंदगी है, हम गलत चीजों में विश्वास करते हैं हर समय, और हम गलत बातें कहते हैं हर समय,
और हम गलत चीजें उत्पन्न करते हैं और सोचते हैं कि क्या प्रभु ने इन चीजों को बनाया है। प्रभु ऐसा कुछ नहीं बनाता है। हेलो, आदि में सब कुछ बनाने के बाद में उसने बनाना बंद कर दिया है। हेलो, क्या आप यहां हैं? कुछ लोगों को चकित करने वाली बात है, अब तक जो भी उत्पन्न हुआ है आप उत्पन्न कर रहे हैं। प्रभु ने यह परेशानी लाई होगी भाई। नहीं, सबसे पहले परमेश्वर के पास आपको देने के लिए कोई परेशानी नहीं है। अब यदि परमेश्वर के पास संपन्नता है तो मुझे संपन्नता दे दे भाई, नहीं वो आपको संपन्नता नहीं देगा। उसने कहा मैंने तुम्हें धन कमाने की सामर्थ्य दी है, तुम इसके साथ कुछ करो। मैंने तुम्हें इसे करने की सामर्थ्य दी है, तुम्हें धन नहीं दिया, धन कमाने की सामर्थ्य दी है, तुम इसके साथ कुछ करो, तुम धन उत्पन्न करो। और जब तक तुम इस तरह बैठे रहोगे और कुछ नहीं करते रहोगे और अपने अविश्वास के शब्दों को कहते जाओगे, नकारात्मकता में रहेंगे, नकारात्मक कहते रहेंगे, इससे और कुछ नहीं, नकारात्मक उत्पन्न करेंगे। जैसे आप कामों में हाथ रखते हैं और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने आपके हाथों के कामों के ऊपर में आशीष की आज्ञा दी है, और अपने दिल में विश्वास करने लगते हैं कि आप जो कुछ करने के लिए अपना हाथ रखते हैं वह आशीषित है, क्योंकि परमेश्वर ने आप पर अपनी आशीष कही है, आपके जीवन में आशीष कही है, और अब्राहम की आशीष आपकी है यीशु मसीह के द्वारा, और आप इसे कहने लगते हैं और इसे करते हैं और इसे कहते और करते रहते हैं, कहते और करते रहते हैं, मैं आपसे कहूं कि हर पहाड़ हट जाएगा और आपके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ ऐसे ही है, प्रभु ने हमें इसी तरह से बनाया है, दिल और मुंह इसी तरह से है, प्रभु ने ऐसे बनाया है। मनुष्य का आत्मा विश्वास से बनना चाहिए, प्रभु के वचन से। आपको इसे विश्वास से बनाना चाहिए, आपको इसे विश्वास से भरना चाहिए। विश्वास सुनने से, प्रभु के वचन सुनने से आता है। आपको विश्वास से भरे वचनों को सुनते जाना है, वो दिल में जाए और दिल विश्वास से भरता जाए, और फिर आप विश्वास के वचन को कहिए और दिल में जो भी कहते हैं वो उत्पन्न करते हैं। प्रभु ने आपको इसी तरह से बनाया है। आप कहेंगे नहीं मैं कुछ अलग हो जाऊंगा। नहीं, आप अलग नहीं हो सकते, आप इसी तरह से काम करते हैं, आप अभी इसी तरह से काम कर सकते। अगर आप गलत चीजें उत्पन्न कर रहे हैं इसी तरह से करते हैं, यदि आप अच्छी चीजें उत्पन्न करना चाहते तो ऐसे ही करेंगे। आप ही है जो सब कुछ उत्पन्न करते हैं। यानी प्रभु ने हमें इस तरह से बनाया है। इसलिए जब प्रभु ने देखा ये लोग सब बाबेल का मीनार बना रहे थे, आपको याद है उत्पत्ति 11 में इसकी कहानी है, पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रभु वहां गया क्योंकि ये भक्तिहीन लोग थे, वो कह रहे थे ठीक है प्रभु कहां है, स्वर्ग में है, हम वहां पर जाएंगे, कुछ बनाएंगे, जाकर उसे देखेंगे। जानते हैं वो सोचता है कि ऊपर है, कोई उससे नहीं मिल सकता, हम वहां पर जाएंगे, हम आकाश के जितने ऊंचे चढ़ेंगे, हम कर दिखाएंगे। जानते हैं यही उनकी मनोदशा और घमंड था, ये इसी तरह से बना रहे थे। प्रभु ने कहा मैं उन्हें रोकना चाहता हूं। वो वहां गया और उसने क्या किया, इसे बनाने से रोकने के लिए उसने उनकी भाषा बदल दी। क्या यह अजीब नहीं, यदि वो हमें से किसी को भेजे तो हम पैसा दूर करना चाहेंगे, शायद हम कहेंगे चलो लूट लेते हैं, इनसे पैसे छीन लो, यदि पैसे छीन ले तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, सोचते इस तरह से काम रोक सकेंगे। प्रभु ने कहा नहीं नहीं नहीं, यदि मैं इनके शब्द ले लूं, यदि मैं इनके शब्दों को लेकर उनमें गड़बड़ी डाल दूं तो फिर उद्देश्य में गड़बड़ी आ जाएगी और उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। यदि शब्द गलत हो जाए तो जीवन गलत होगा, यदि शब्द गलत हो जाए तो उसमें से कुछ उत्पन्न नहीं होगा। हेलो, तो प्रभु ने कहा तुम अपना पैसा रखो, मैं केवल शब्दों से काम करूंगा। जब शब्दों में गड़बड़ी होती है तो सब कुछ गड़बड़ी में होता है, क्योंकि शब्द तो पैसों से ज्यादा सामर्थी है। हेलो, ये बहुत से लोगों को चकित करेगा। मैंने विश्वासियों को कहते सुना पैसा बहुत सामर्थी है। नहीं, पैसा ज्यादा सामर्थी नहीं है। नहीं, पैसा इस पृथ्वी पर सबसे सामर्थी नहीं है। पृथ्वी पर सबसे सामर्थी चीज तो वो वचन है जो आपके मुंह से बाहर आता है। आपकी जेब में कोई पैसा नहीं होगा,
आपकी जेब खाली हो सकती है, कुछ न हो, और पूरे संसार में आपकी मदद के लिए कोई न हो, लेकिन यदि आपके पास प्रभु का वचन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आदि में वचन था, जब कुछ नहीं था तब वचन था, कुछ नहीं था, आदि में वचन था, वचन से ही सब कुछ आया। मैं आपको बताऊं, यदि आपके पास कुछ नहीं है, बस केवल वचन है, मैं आपको बताऊं, आप सब पा सकते हैं। आपको क्या चाहिए वो आप पा सकते हैं वचन से। यानी पैसा इस पृथ्वी पर सबसे सामर्थ्य चीज नहीं, प्रभु जानता था, इसलिए उसने पैसों से व्यवहार नहीं किया, उसने उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली, शब्दों में गड़बड़ी हुई और उनका प्रोजेक्ट रुक गया। बस यही देखिए वचन की सामर्थ, प्रभु ये जानता था, इसलिए उसने आकर उनके शब्दों में गड़बड़ी डाली, उनकी भाषा में। मेरे साथ निकाले उत्पत्ति अध्याय 2:8। परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसने उसे रचा था, रख दिया। उसने मनुष्य को कहां रखा? उसने मनुष्य को रखा अदन की वाटिका में। अदन की वाटिका क्या है? अदन की वाटिका को ऐश्वर्य की जगह कहा गया है। अदन शब्द का अर्थ इसे बहुत ही अद्भुत आनंद की जगह कहा गया है, बहुतायत की जगह, अदन की वाटिका यही है। दूसरे शब्दों में यह डुप्लीकेट है उस स्वर्ग का। यदि आप स्वर्ग में रहते और यदि परमेश्वर होते और स्वर्ग में पूरे ऐश्वर्य से रहते और धन में, जैसे प्रकाशित वाक्य बताता है आखिरी 2 अध्यायों में, यह उसका घर है। क्या आपने प्रकाशित वाक्य के आखिरी 2 अध्याय पढ़े हैं? क्या आपने पढ़ा है कि परमेश्वर का घर कैसे दिखता है? लोग सोचते हैं कि वह अपवित्र व्यक्ति है, सोने की सड़कों पर रहता है। कुछ लोगों के अनुसार वो बहुत आत्मिक व्यक्ति नहीं है। उसके पास इतनी संपत्ति क्यों है भाई? खैर वो इसी तरह से है। यदि आप स्वर्ग में रहते हैं इस तरह की संपत्ति के साथ और आप अपने बेटे के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, तो क्या आप उसके लिए झोपड़ी बनाएंगे अपने बड़े महल के पीछे कि वो सीख सके? नहीं, कोई पिता ऐसा नहीं करेगा, प्रभु कभी इसे नहीं करेगा। यानी परमेश्वर ने जो भी स्वर्ग में था वो लिया और अदन की वाटिका में उसका डुप्लीकेट किया। उत्पत्ति अध्याय 1 पढ़ते हैं और प्रकाशित वाक्य के आखिरी 2 अध्याय पढ़े तो एक समान दिखते हैं, क्योंकि स्वर्ग जैसा है इसका विवरण है ये, और अदन की वाटिका ये दोनों एक जैसे ही थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसे रहने के लिए स्वर्ग का डुप्लीकेट बनाया अदन में, और उसने अपने पुत्र आदम को वहां पर रखा जिसे उसने बनाया था। इतने प्रेम से उसने उसे वहां रखा, उसने उन्हें जंगल में नहीं छोड़ा। कुछ लोग कहते हैं प्रभु आपको जंगल में ले जाएगा भाई। नहीं नहीं नहीं, ऐसे लोगों पर विश्वास मत कीजिए। बाइबल में है भाई, प्रभु इसराइलियों को जंगल में लेकर गया, लेकिन उस जंगल के बारे में पढ़िए। उस जंगल में एयर कंडीशन था दिन में और रात को गर्मी थी, खाना तो स्वर्ग से गिरता था, कपड़े भी पुराने नहीं होते थे। और यदि इस तरह के जंगल के बारे में कहते हैं तो प्रभु की स्तुति में वहां जाने को तैयार हूं, लेकिन ये लोग उस जंगल के बारे में कहते हैं जहां कुछ नहीं है, जहां पर खाने के लिए नहीं, कपड़े नहीं, कुछ नहीं है, कोई पैसा नहीं। देखिए इस तरह का जंगल, ये आत्मिक जंगल जो खुद उन्होंने बनाया है, मैं उस जंगल के लिए नहीं हूं, प्रभु उस जंगल के लिए नहीं है। प्रभु ने कभी मनुष्य को जंगल में नहीं रखा, प्रभु ने कभी मनुष्य को जंगल में नहीं रखा है। प्रभु ने वाटिका बनाई थी बिल्कुल स्वर्ग के जैसे, स्वर्ग को पृथ्वी पर डुप्लीकेट किया और वहां मनुष्य को रखा, ये दिखाने के लिए कि मनुष्य धन और संपत्ति के लिए बनाया गया है और उसने कुछ कम नहीं। ठीक है, मुझे कहते हुए अच्छा लग रहा है, तो इसमें और आप क्या बना सकते हैं? आदम प्रतिनिधि पुरुष था, प्रभु ने जो कुछ उसके साथ किया वो ये दिखाता है कि वो मनुष्य के लिए क्या करना चाहता है। यानी जब प्रभु ने आदम को डुप्लीकेट स्वर्ग में रखा पृथ्वी पर अदन में बहुतायत की जगह पर, उसने दिखाया कि परमेश्वर मनुष्य को बनाया है कि पूरे धन और संपत्ति में रहे। अब इसे पढ़िए, परमेश्वर ने भूमि से, वचन 9, परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं, जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी वहां पर लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम है पिशोन, ये वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है उस देश का सोना चोखा होता है। कुछ लोग कहेंगे सोना बुरा होता है, उन्हें उत्पत्ति 2:12 दिखाइए, यहां ये कहता है सोना अच्छा है।
जो भी प्रभु ने बनाया वो अच्छा है। देखिए, सोना अच्छा है, प्रभु ने सोना बनाया और सोना अच्छा है, और वहां पर मोती और सुलेमानी पत्थर और ये सब कुछ मिलते थे। हमारे पास समय नहीं किसे पढ़े, मैंने बस आपको स्वाद दिया कि अदन की वाटिका में क्या था। ये तो धन और संपत्ति की जगह थी, चार नदियां बह रही थी। ये कहता है ये वो जगह थी जहां सोना बढ़ता था, ये ऐसी जगह थी जहां सोना पाते थे, ये जगह थी जहां सोना बढ़ता था। उस जगह पर परमेश्वर ने मनुष्य को रखा, उसने मनुष्य को पूरे धन संपत्ति की जगह पर रखा था, कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को वहीं रखा। और जब मनुष्य ने पाप किया, उसने खुद को बड़ी परेशानी में डाला, उसने खुद को कमी घटी के बंधन में डाल दिया। आप उत्पत्ति की किताब में पढ़िए कि कांटे और ऊट कटारे बढ़ने लगे, उस पर आए शाप के परिणाम में उसके जीवन का भौतिक भाग तो बहुत मुश्किल हो गया, उसे मेहनत करके खाना था। और ये सब आपको दिखाऊंगा, जानते हैं कि मेहनत परमेश्वर की इच्छा नहीं और ये सब, लेकिन बात तो यह है कि मनुष्य ने खुद को बंधन में रखा। प्रभु ने इसराइलियों को छुड़ाया मिस्र देश से, मिस्र के बंधन से। ये तो चित्र है कि उद्धार कैसा होना चाहिए। देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर ने चित्र दिया था, यीशु के आने और उद्धार देने के पहले ही क्रूस के द्वारा प्रभु ने चित्र दिया था। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 ये अद्भुत वचन है, अध्याय 6 वचन 10। परमेश्वर ने लोगों को मिस्र के बंधन से बाहर निकाला था और उन्हें निकाला, केवल मिस्र के बंधन से निकालना काफी नहीं था, लेकिन उन्हें दूध और मधु की धाराओं के देश में ले जाना था। उद्धार इसी के बारे में था, उद्धार तो गुलामी से आजादी नहीं थी, लेकिन उन्हें दूध और मधु की धाराओं के देश में लेकर जाना था। दूध और मधु इसमें जुड़ा है, इसे बाहर मत रखिए, ये पैकेज का भाग है। यानी केवल बंधन से बाहर निकलना ही काफी नहीं है, लेकिन उन्हें दूध और मधु के देश में लेकर जाना है। उद्धार के बारे में पूरे पैकेज में यही तो है। अब ये इसके बारे में कहता है वचन 10, ये कहता है, जब तेरा परमेश्वर तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से देने की शपथ खाई। देखिए, ये देश है जिसकी प्रभु ने शपथ खाई थी उनके पिता से, यानी इन लोगों के पुरखाओं से। ये अब्राहम की आशीष है जिसमें प्रभु ने ला रहा था अब्राहम, इसहाक और याकूब से कि तुम्हें दे बड़ा, देखिए फिर से आपको बड़ी सावधानी से बाइबल पढ़नी चाहिए, बड़ा और सुंदर शहर दे। आप जो भी कल्पना करना चाहते हैं, बड़े और सुंदर शहर जो तुमने नहीं बनाए हैं। अब चलिए मैं पूछता हूं, जब परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा तो क्या आदम ने वाटिका बनाई थी? नहीं, स्वयं परमेश्वर ने उसके लिए वाटिका बनाई थी और उसने मनुष्य को उसमें रखा। परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया और मनुष्य को उसमें लाकर रखा। देखिए, यही परमेश्वर ने किया, मनुष्य इसे खो बैठा। जो चीज परमेश्वर ने तैयार की उससे दी थी, मनुष्य खो बैठा और मनुष्य को वाटिका से बाहर निकाला गया। अब परमेश्वर हमें उद्धार का चित्र दे रहा है। अब उद्धार का चित्र क्या है? प्रभु कहता है मैं तुम्हें नगरों में ले जाऊंगा, बड़े और सुंदर शहरों में जिसे तुमने नहीं बनाया है। वह इसराइली लोगों को बता रहा है, जैसे आदम ने अदन की वाटिका नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने उसके लिए तैयार की थी रहने के लिए जगह, एक सुंदर जगह, धन और संपत्ति की जगह। मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है कनान का देश, बड़े और सुंदर देश जो तुम्हारे लिए पहले से ही बने हुए हैं, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं, ये पहले से बने हैं। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं। लेकिन इस बार कुछ अलग था, अदन की वाटिका को बनाने के लिए कोई लोग नहीं थे, इसलिए स्वयं परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई, यानी वाटिका तैयार करके उसने उसे वहां रखा, क्योंकि उसे तैयार करने के लिए कोई नहीं था, और फिर उसे दिया। अब बहुत से पापी हैं, तो प्रभु कहता है तुम इसे बनाओगे और हम उसमें रहने जाएंगे, तुम इसे बनाओगे और मेरी संतान यहां पर आएंगी और इसे ले लेगी। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि शैतान वहां पर आया और आदम को धोखा दिया और सब कुछ ले लिया जो परमेश्वर ने आदम को दिया था। वो रेंगते हुए आया, धोखा देकर सब कुछ हत्या लिया, और अब परमेश्वर सब कुछ उससे वापस ले रहा था कि प्रभु के लोगों को दे, क्योंकि इस संसार का धन और संपत्ति प्रभु के लोगों की है। प्रभु की संपत्ति जो है, ये प्रभु की संपत्ति, ये प्रभु की बनाई हुई संपत्ति है। प्रभु जिसे चाहे उसे देता है, ये प्रभु के लोगों की है, क्योंकि ये प्रभु के उद्देश्य के लिए है। Everybody, let's clap our hands. Clap with me if you can.
Your love is everlasting, it's an everlasting love. Your mercy is as new as every rising of the sun. And your loving kindness, better than life. Your grace is all sufficient, it's an all-sufficient grace. Your power and your glory are forever on display. And your loving kindness is better than life. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness is better than life. Fairest of 10,000. Of 10,000, of 10,000, you are fair. And nothing in this world could ever measure or compare to your loving kindness. Your loving kindness is better than life. All your ways are just, oh Lord, you're just in all your ways. And I will lift my hands, oh Lord, with gratitude and praise. For your loving kindness, better than life. Oh, it's better. Oh, it's better than life. Oh, so much better. Jesus, your loving kindness. Oh, your loving kindness is better than life.